ब्लू आईज से लेकर लुंगी डांस तक अपने गानों से हर भारतीय के दिलों में जगह बनाने वाले यो-यो हनी सिंह का स्वैग कितना जबरदस्त है ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, भले ही आज इनका मार्केट थोड़ा ठंडा चल रहा है, लेकिन एक वक्त था जब लोग केवल सिर्फ इनके नाम से पागल हो जाया करते थे। लेकिन 2016 से करीब 2 सालों तक किसी ने इनका नाम नहीं सुना, ये पूरी तरह गुमनाम हो गए थे। कुछ लोगों का कहना कि हनी सिंह ड्रग एडिक्शन के कारण अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं, तो कुछ का कहना है हनी सिंह इतनी ज्यादा शौहरत झेल नहीं पाए इसलिए अब घमंड में आकर घर बैठ गए। लेकिन असली सच्चाई क्या थी और वो कौन सी चीज थी जिससे हनी सिंह के इतने बड़े स्टारडम को रातों रात छीन लिया? इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे हनी सिंह को ये शौहरत मिली कैसे थी। बस हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, बहुत से लोग हनी सिंह को साल 2011 से जानते हैं, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि हनी सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री में साल 2006 से ही अपना दबदबा बनाए हुए हैं। हाँ, वो बात अलग है, इन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी म्यूजिक इंडस्ट्री तो है नहीं, बल्कि इसका बहुत ही ज्यादा क्रेज है। यहाँ तक कि अगर पंजाबी इंडस्ट्री का कोई सिंगर बेहतरीन गाना गाता है तो वो ना केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े स्टेडियम में परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि कनाडा और अमेरिका वगैरह में पंजाबी गानों को पसंद करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। तभी तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग ना केवल फेमस होते हैं बल्कि उनके पास अच्छा खासा पैसा भी होता है, उन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साथ ही हनी सिंह के पास 5 साल का लंबा वक्त था खुद को एक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट के तौर पर एस्टैब्लिश करने का। इसी बीच हनी सिंह ने गिप्पी ग्रेवाल, दिलजीत दोसांझ, अशोक मस्ती, प्रीत हरपाल और इंद्रजीत निक्कू जैसे फेमस पंजाबी सिंगर्स के साथ काम किया। इतना ही नहीं, यही वो वक्त था जब हनी सिंह ने बादशाह के साथ मिलकर माफिया मुंडीर नाम का एक म्यूजिकल ग्रुप को एस्टैब्लिश किया जो रैपिंग को आगे बढ़ाना चाहते थे। इन्हीं में रफ्तार और इक्का जैसे लोग भी इनके साथ जुड़ गए जो आज म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी बढ़ गई है। लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हनी सिंह का ही क्रेज था, सारी लाइमलाइट अकेले हनी सिंह की झोली में जाती थी, इसलिए वो माफिया मुंडीर के फेस कहलाए जाते थे। जिसका ये साफ मतलब है कि एक तरफ लोग तारीफों से इनका स्वागत करते थे तो वहीं दूसरी तरफ इनके गानों को लेकर आपत्ति जताने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं थी। बहुत से लोग इनके गाने को वल्गर भी कहते थे और ये बात सच है, इन्होंने कई सारे वल्गर गाने गाए, पर इन्हें लोगों की आपत्तियों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि इन्हें मालूम था पंजाब और दिल्ली के साथ साथ पूरे नॉर्थ इंडिया का यूथ इनके साथ है। लेकिन हनी सिंह का क्रिटिसिज्म यही नहीं रुका, क्योंकि बहुत से लोग तो यही मानते हैं कि हनी सिंह हिंदी इंडस्ट्री में काम करने वाले पहले पंजाबी रैपर है, पर ये बात सच नहीं है। इनसे पहले भी अपाचे इंडियन और बाबा सहगल जैसे लोगों ने रैपिंग करनी शुरू कर दी थी। जब तक हनी सिंह पंजाब इंडस्ट्री में काम कर रहे थे तब तक उनकी तुलना बोहेमिया के साथ होती थी। कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने हनी सिंह को रैपर मानने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद हनी सिंह ने अपने आलोचकों को बढ़ावा देने के लिए खुलकर इंटरव्यू में कह दिया कि वो रैपर है ही नहीं। और ये सब हनी सिंह ने सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए कहा था। उसके बाद हनी सिंह की इंटरनेशनल विलेजर नाम की एक एल्बम आती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी गाने के साथ हनी सिंह को बीबीसी एशियन चार्ट्स में पहला स्थान मिला। इसके अलावा पंजाबी इंडस्ट्री में फिल्म फेयर की तरह माना जाने वाला पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स ने भी हनी सिंह को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी एल्बम का गाना ब्राउन रैंग यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया। इसके बाद हनी सिंह का गाना अंग्रेजी बीट को सैफ अली खान की फिल्म कॉकटेल में भी दिखाया गया, जिसके बाद तो हनी सिंह ने बॉलीवुड में ऐसा कदम जमाया कि लोग देखते रह गए। कि वो टाइम था जब लोगों ने हनी सिंह का नाम जानना शुरू किया था और धीरे धीरे उन्होंने हनी सिंह के पुराने पंजाबी गानों को सुनना भी शुरू कर दिया। अपने इस नए एल्बम और पुराने हिट गानों की बदौलत हनी सिंह एकाएक सबसे पॉपुलर म्यूजिशियन बन गए। कोई भी उस समय हनी सिंह को टक्कर नहीं दे पा रहा था, जो भी गाना हनी सिंह गाते वो सारे गाने हिट हो जाते। हर कोई हनी सिंह के साथ काम करने को बेताब था। हनी सिंह इतना बड़ा नाम बन गए थे कि केवल गाना बनाने से काम नहीं चलता था बल्कि उन्हें म्यूजिक वीडियो में दिखाया जाने लगा। बॉलीवुड में काफी लंबे समय से ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी सिंगर अपने गाने में दिखाई दे, लेकिन हनी सिंह ने सब कुछ बदल के रख दिया। लोग उनकी इतनी इज्जत करने लगे पूछे मत। और जब हनी सिंह ने शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस में काम किया तो बिल्कुल हंगामा ही हो गया, जिसके बाद धीरे धीरे कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ ये काम करते हुए दिखे।
और अपनी शौहरत की सीढ़ियों पर चलते गए। इसी बीच एक बात ये भी सामने आ रही थी कि हनी सिंह अपने एक गाने के लिए 70 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। इसी के साथ वो भारत के सबसे महंगे आर्टिस्ट भी बन गए। लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं थी, क्योंकि 2016 में जब हनी सिंह अपने स्टारडम के बिल्कुल पीक पर थे, तभी अचानक से वो म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब हो गए। लोगों ने ढूंढते ही रह गए, लेकिन हनी सिंह कहीं भी नजर नहीं आए। पूरे 18 महीनों तक हनी सिंह का कोई भी नया प्रोजेक्ट लोगों के सामने नहीं आया। लेकिन हाँ, खबरों का बाजार गर्म था, जिसमें पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी ने दावा किया कि उनकी मुलाकात हनी सिंह से रिहैब में हुई। हनी सिंह के इमेज के चलते लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो गए। लोगों के अंदर इस बात को जानने की बहुत उत्सुकता थी कि हनी सिंह के साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन ना ही हनी सिंह और ना ही उनकी टीम कुछ भी कहने को तैयार थी। जिस बीच हनी सिंह गायब हुए, उसी बीच हनी सिंह के ग्रुप के रफ्तार, बादशाह और इक्का सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। जैसे जैसे ये सिंगर्स फेमस होते गए, इनके ऊपर जनता का ध्यान बढ़ता गया और लोग धीरे धीरे हनी सिंह को भूलते जा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ सिंगर्स ने अपने इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि किस तरीके से हनी सिंह ने उनके साथ नाइंसाफी की थी। बादशाह कहते हैं कि हनी सिंह हमेशा खुद लाइमलाइट चाहते थे, वे किसी को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते थे, जिस वजह से साथ में गाने बनाने और म्यूजिक वीडियो में मौजूद होने के बावजूद हनी सिंह ने गाने के क्रेडिट में बादशाह का नाम भी नहीं डाला। उसके बाद रफ्तार ने बताया कि डॉप शॉप नाम के वायरल गाने की लिरिक्स उन्होंने लिखे हैं, लेकिन इस गाने का क्रेडिट भी हनी सिंह ने अपने नाम ही कर लिया। इतना नहीं, गाने की म्यूजिक वीडियो से रफ्तार की पूरी क्लिप ही काट दी गई। एक तरफ हनी सिंह गायब थे, दूसरी तरफ ये सारी बातें जोर पकड़ रही थी, जिसकी वजह से जनता के जहन में हनी सिंह की अलग ही छवि बनने लगी। धीरे धीरे लोग उन्हें एक बेहतरीन सिंगर और रैपर की जगह एक ड्रग एडिक्ट और शातिर इंसान के तौर पर जानने लगे। लोगों का यह मानना था कि हनी सिंह अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन अपने गायब होने के 18 महीने बाद हनी सिंह लोगों के सामने आए और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इतने लंबे समय से अपने घर में बंद चल रहे थे। हनी सिंह ने इंटरव्यू में बताया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे, जो कि एक तरह की मानसिक बीमारी होती है। हनी सिंह का कहना था कि वो आसानी से हजारों लोगों के सामने परफॉर्म कर लिया करते थे, लेकिन अपनी इस बीमारी की वजह से वो 4 से 5 लोगों से मिलने से भी डरते थे। बाद में हनी सिंह ने इस दौर को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर बताया। हनी सिंह का कहना था कि वो इस दौरान अपने नोएडा वाले घर में रहते थे और उन्होंने कई सारे डॉक्टर से सलाह मशवरा किया ताकि वो जल्द से जल्द अपनी बीमारी से निकल सके। बीमारी से परेशान होने के कारण हनी सिंह को शराब की भी लत लग गई, जिसके कारण उनका वजन बढ़ रहा था और शरीर में कई और बीमारियां घेरा बना रही थी। इन सारी चीजों से जैसे हनी सिंह बाहर निकले, उन्होंने साफ कह दिया कि वो दोबारा से म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाने के लिए आएंगे। उन्होंने ऐसा भी किया। साल 2018 से उन्होंने कई सारे गाने गाए और रिलीज किए। लोगों को लग रहा था कि अब नए रैपर्स के आने की वजह से हनी सिंह का क्रेज कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उल्टा, हनी सिंह को पसंद करने वाले लोग आज भी उनके गाने सुनने के लिए बेताब रहते हैं। वो दिन दूर नहीं जब दोबारा से अपनी वही शानदार बॉडी और पर्सनैलिटी के साथ ये जब म्यूजिक इंडस्ट्री में उतरेंगे तो लोग बाकी सभी सिंगर्स को भूल जाएंगे। वैसे आपको हनी सिंह कितने पसंद है या फिर आप किसी और सिंगर को पसंद करते हैं, अपना जवाब कमेंट में देना। ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।